वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों जल्दी से अपना बैकलॉग कवर अप करिए लॉज ऑफ मोशन की डीपीपी हमारी एंड्रॉइड ऐप पे ऑलरेडी अपलोड हो गई है उसके सोल्यूशन अपलोड हो गए हैं आज मैं वर्क एनर्जी पार का पार्ट वन लेके आया हूं इसमें आपको सिर्फ वर्क पढ़ाऊंगा क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज मकैनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एंड वर्क काइनेटिक एनर्जी थियोरम और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू एम और उसके अगले उसमें आएगा हमारा कोलेज ठीक है छोटा सा पावर भी सेकेंड पार्ट में ही आएगा राइट तो जल्दी से बच्चों आप लोग अपना बैकलॉग कवर अप करिए आप धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप लोग लॉज ऑफ मोशन पे पहुंचे हैं अभी फ्रिक्शन और ब्लॉक ऑन ब्लॉक आपने नहीं किया है चलिए जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूं हमारी इस तरीके एक एंड्रॉयड ऐप है उसका लोगो बता रहा हूं मैं आपको ये हमारे एंड्रॉयड ऐप का लोगो है आप ये एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ होना चाहिए ठीक है ए ई ए हमारी ऐप है एपेक्स एजुकेशन और इस ऐप को डाउनलोड करके आप बैच कोड डाल सकते हैं सी सी टू डी यू आई जी इसमें मैं डी पी एंड उसके सॉल्यूशंस अपलोड कर रहा हूँ सेमी चैप्टर्स और रिलेटिव वेलोसिटी में आप लोगों को दिक्कत थी आप लोगों की डिमांड थी तो उसमें मैंने फ्री लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं राइट right बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए वर्क एनर्जी पार काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्क क्या कहानी क्या है वर्क की फॉर्मूला क्या है बहुत ज्यादा फॉर्मुलेबाजी ना करके हम ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो देखिए मान लीजिए कि ये ब्लॉक है और इस पर हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं इंक्लाइंट एट सम एंगल थीटा जिस वजह से ब्लॉक में कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है और जमीन पे ब्लॉक डी डिस्टेंस आगे मूव कर गया है परफेक्ट है बिल्कुल तो अगर हम फोर्स के दो कंपोनेंट की बात करते हैं तो यहां पर फोर्स टेढ़ा लग रहा है तो फोर्स के दो कॉम्पोनेंट की बात होगी देखिए फोर्स का एक कॉम्पोनेंट है एफ कॉस्थीटा और फोर्स का दूसरा कॉम्पोनेंट है एफ साइंथीटा तो वर्डन क्या होता है वर्डन को आप दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं वर्डन होता है हम बोलते हैं कि वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन इट्स ओन डायरेक्शन ठीक है इंपॉर्टेंट बात है तो देखिए फोर्स एफ को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया है एफ साइंटीटा वर्टिकल है और वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो एफ साइंथीटा के द्वारा किया हुआ वर्क जीरो है एफ थीटा अपनी ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डी प्रोड्यूस कर रहा है तो वर्क डन बाय जो एफ थीटा कॉम्पोनेंट है वो एफ कॉस्थीटा इंटू डी फोर्स का कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए आप डिस्प्लेसमेंट से आपको डन मिलेगा तो ये क्या है देखिए ये वो है ये है कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट

फोर्स का एक कॉम्पोनेट ले लीजिए डिस्प्लेसमेंट के अलांग और उस कॉम्पोनेंट को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए यू आर गोइंग टू गेट दी वर्क डन देखिए इसे ना एक एक, एक, एक और नए इंटरेस्टिंग तरीके से समझाता हूं एफ कॉसिट और एफ साइंटिटा में हम इंटरेस्टेड ही नहीं है हमने बोला कि वर्क तब होता है जब फोर्स खुद की डायरेक्शन में किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर पाए राइट right. तो देखिए अब फोर्स तो टेढ़ा लग रहा है ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है तो हमने क्या करा हमने यहां से ना ये डिस्प्लेसमेंट है तो हमने यहां से ना परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ये ये डिस्प्लेसमेंट डी है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है ना एफ डिस्प्लेसमेंट का कॉम्पोनेंट उस डायरेक्शन में ले लीजिए तो देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात है वक़ाण ऐसे भी हो सकता है जो भी फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड को डिस्प्लेसमेंट के कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी फोर्स देखिए बहुत शानदार चीज है बहुत शानदार आपको मजा आ जाएगा यह सीख के नकली लग रहा है लेकिन मजेदार चीज है शानदार क्वेश्चन कराऊंगा इस पर देखिएगाट तो यहां पर नीली वाली लाइन के अलोंग डी कॉस्टा हो जाएगा ये डी कॉस्थिटा हो जाएगा तो अगेन फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के उस कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जो फोर्स के अलोंग है तो यहां से भी आपको सेम बात मिली है राइट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट खेलने की जरूरत नहीं है तो वक़ान स्केलर क्वांटिटी है बच्चों ऐसा यूनिट जूल्स है ये सब बातें छोटी मोटी हैं ये क्रैच को स्केलर नहीं है आगे बढ़ते हैं कुछ शानदार क्वेश्चंस करेंगे देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ डन पे एक हेमस्फेरिकल सरफेस है एक बोल है एक कटोरी है उसके अंदर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है अब ए पॉइंट से ब्लॉक को ना बी पॉइंट तक ले गए और फोर्स हमेशा हॉर्जोंटली एक्ट कर रहा है फोर्स इज ऑलवेज हॉर्जोंटल फोर्स हमेशा हॉर्जोंटल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है अब आपसे कह रहे हैं इस फोर्स के द्वारा जरा वर्क डन बता दीजिए अब भैया ब्लॉक तो बड़ी बेरहमी से जा रहा है हम ब्लॉक फोर्स सीधा लगा रहे हैं ब्लॉक ऐसे कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है तो वर्कडन पूछा है तो मैंने आपको बताया ना वर्क डन क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का वो कॉम्पोनेंट ले लीजिए जो फोर्स के अलोंग है तो बताइए फोर्स हॉर्जोंटल है ब्लॉक यहां से यहां पहुंचा है

ऑफ फोर्स देखेंगे ना अगर तो यहां पर आपको आर्क लेना पड़ेगा क्योंकि force की direction हर बार बदल रही है तो होंगी और अगर आप इंटेग्रेट कर देंगे तो वही लेंथ आने वाली है जो इसकी लेंथ होती है पाई आर बाई टू अब क्या है अब आप इस ब्लॉक को तीसरे केस में एक धागे से बांध के यहाँ पुली लगा के खींच रहे हैं मान लीजिए मान लीजिए आपने यहां एक पुली लगा दी है ना और आप यहाँ एक पुली लगा के उसे ऐसे खींच रहे हैं ऐसे खींच रहे हैं फोर्स एफ से तो आप इस धागे से हमेशा इस पर फोर्स लगा रहे हैं और वो हमेशा ऐसे ही लग रहा है इसी के अलोंग तो ठीक है इसी के अलोंग लग रहा है ना तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ले लीजिए आपको पता है ये भी रेडियस ये भी रेडियस है ना तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी फोर्स एफ और इस फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितनी है रूट टू आर देखिए बच्चों शानदार सवाल है और इनका सुपर शानदार सॉल्यूशन है सुपर शानदार

फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं क्योंकि थ्री डायमेंशन में थोड़ा कंपोनेंट्स में कलेश हो जाएगा तो क्या कर रहे हैं पार्टिकल पहले ए पॉइंट पे था वन टू थ्री पे और इसका पोजिशन वैक्टर था ओ ए पोजिशन वैक्टर कैसे होता है आई कैप टू जे कैप और थ्री के कैप फाइनली आपने उस पर कुछ फोर्स लगाया और अल्टीमेटली वो पार्टिकल कहीं बी पॉइंट पे पहुंच गया है जो कि फोर फाइव सिक्स है ठीक है इस दौरान जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हुई है वो एस वैक्टर ये है तो यहां ओ बी वैक्टर क्या है देखिए यह है फोर आई कैप फाइव जे कैप और सिक्स के कैप अब अगर आप लॉ ऑफ़ वेक्टर्स लगाते हैं ना यहां पर लॉ ऑफ़ वेक्टर्स तो ओ ए वैक्टर और जो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है ए बी ए बी वैक्टर ट्राइंगल की दो साइड्स हो गई एक ऑर्डर में ये बराबर होगा ओ बी वैक्टर तीसरी साइड ऑफ द ट्राइंगल के ऑपोजिट ऑर्डर में तो यहाँ ओ बी वैक्ट ए बी वैक्टर आ गया ओ बी में से ओ ए माइनस करिए जिसको ना मैं डिस्प्लेसमेंट वैक्टर भी कहता हूँ तो ओ बी कितना है ये देखिए माइनस करिए फोर में से वन माइनस करिए थ्री आई कैप फाइव में से टू माइनस करिए ओहो थ्री जे कैप और वन में से थ्री माइनस करिए वन नहीं था ये सिक्स था बच्चों ये के कैप नहीं था ये सिक्स के कैप था है ना तो सिक्स में से थ्री माइनस करिए तो थ्री के कैप डिस्प्लेसमेंट आ गई वर्क डन क्या होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट तो देखिए फोर्स कितना है टू आई कैप आई कैप वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो टू थ्री जो सिक्स प्लस जे कैप वाले जे कैप से मल्टीप्लाई होते हैं प्लस थ्री के कैप वाले के कैप से मल्टीप्लाई होते हैं प्लस नाइन आंसर बच्चों आ गया अठारह जूल्स आई होप आपको समझ आया बच्चों राइट right? देखिए मैं रब कर रहा हूं बच्चों इजी क्वेश्चन था बहुत इजी तो अगर आपको सिंपल अगर कभी कभी ये दे दें कि दो फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं और बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो उन दोनों फोर्स का भी वेक्टर सम ले लीजिएगा जैसे टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप और आई कैप प्लस जे कैप साथ में ऐड करें तो उन दोनों को भी ऐड कर लीजिएगा थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप बना लीजिएगा तो एक सिंगल फोर्स आ जाएगा और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक है डिस्प्लेसमेंट वैक्टर कैलकुलेट करके डॉट प्रोडक्ट ठीक है देखिए क्वेश्चन थ्री से पहले ना हम सा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले ये वाला ठीक है है तो हो क्या रहा है कि आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है तो रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन सो एरिया ऑफ एफ वर्सेस एक्स ग्राफ देता है वर्क डन गिव्स ठीक है तो देखिए अगर ये एरिया मासूमियत से निकल जाए तो ठीक है मतलब अगर सर्कल ट्राइंगल टाइप का एरिया दे रखा हो फिगर दे रखा हो तो ठीक है लेकिन अगर आपको कोई वेरिएबल फोर्स दे रखा हो एक्स का स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर थ्री फोर्स वेरी कर रहा है तो आपको पता है फिर एरिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जब भी डिफ्रेंसियन करनी हो मतलब स्लोप निकालना है तो डिफरेंसिएशन करना है अब एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन करना है अब अगर एरिया सिंपली निकल जाए तो दैट इज वेरी गुड अगर एरिया सिंपली ना निकले और फोर्स एक एक्स का डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है तो देन यू हैव टू डेफिनेटली डू द इंटीग्रेशन है ना तो पहले सिंपल एरिया करके फिर हम पिछले क्वेश्चन पे जाके इंटीग्रेशन करेंगे ठीक है तो देखिए आपको बोला गया है डिस्प्ले डन बता दीजिए तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए हाफ बेस इंटू हाइट और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए प्लस फोर्स नेगेटिव है एल इंटू बी यूनिट चूज आ जाएगी बच्चों तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है वो वर्कडन देने वाला है और अगर अब फोर्स वेरिएबल हो जाता है वेरी करता है आ, तो फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि एरिया इंटीग्रेशन से ही निकलता है है ना चलिए हम वापस चलते हैं पिछले क्वेश्चन पे तो एक चीज आपने एक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए हमेशा काम आएगा अगर वेरिएबल फोर्स है तो देखिए वेरिएबल फोर्स ना छत्तीस प्रकार के हो सकते हैं एक हो सकता है टाइम वेरिंग वो हम करेंगे वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के अंदर थोड़ा ज्यादा ईजी लगेगा उसमें ठीक है तो टाइम वेरिंग हम करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से ज़रा इजीली हो जाएगा सॉल्व तो उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है अभी है ना देखिए एक हो सकता है कि भैया सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स चेंज हो रहा है एक्स का फंक्शन है तो ऐसे केस में क्या करते हैं आप डन लिखते हैं फोर्स और एक्स के अलॉन्ग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और फिर आप इंटीग्रेट कर देते हैं जहां से भी जहां तक बोला जाए आपको निकालने के लिए है ना अच्छा लेकिन अगर फोर्स एक टू डायमेंशन में वेरी कर रहा है एक्स और वाई दोनों के साथ वेरी कर रहा है तो ऐसे केस में आप जो वर्क डन है वो निकालते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अब आप टू डायमेंशन में लेते हैं डी आर वैक्टर लेते हैं इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन तक इंटीग्रेट कर देते हैं अब डी आर क्या होता है डी आर वैक्टर होता है आपका डी एक्स आई कैप अच्छा सुनिए ना टू डायमेंशन छोड़िए थ्री डायमेंशन के लिए ही है यार बात खत्म हो गई अब अगर z कॉम्पोनेंट नहीं है तो z कॉम्पोनेंट नहीं आएगा ठीक है हम एक ही बार में लिख लेते हैं ना डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप देखिए अगर फोर्स ना सिर्फ एक्स एक ही डायमेंशन में वेरी कर रहा है तो उसी कह लूंगा डॉट डी एक्स मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लीजिए ले लेकिन फोर्स अगर थ्री डायमेंशन में वेरी कर रहा है थ्री डायमेंशन में वेरी कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थ्री डी में डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप होती है अब अगर ये बात एक्स वाई प्लेन में हो सिर्फ तो डीएक्स आई कैप और डीवाई जे कैप ले लीजिएगा तीनों डायमेंशन हो तो तीनों ले लीजिएगा राइट बच्चों चलिए सॉल्व करते हैं वाला क्वेश्चन तो प्लीज नोट कर लेंगे जल्दी से इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ा है? क्योंकि वेरिएबल फोर्स का ग्राफ कुछ टेढ़ा मेढ़ा बनेगा अब उसका एरिया हमें आता नहीं है निकालना तो एरिया फिर इंटीग्रेशन से ही निकल रहा है राइट अब देखिए नकली क्वेश्चन है पूरा नहीं करूंगा फोर्स वेरी कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन डायमेंशन में वेरी कर रहा है तो एक्स के अलॉन्ग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दीजिए लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक कहां से कहां तक जीरो से टू तक बोला है सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स ज़ीरो से लेकर के टू तक इंटीग्रेशन खेलते हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग एक्स का इंटीग्रेशन अलग ज़ीरो से टू तक ज़ीरो से टू तक अब होता क्या है कि इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाती है और वही पावर डिवाइड हो जाती है फिर से आ गया ज़ीरो से टू तक प्लस इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाती है और वही पावर डिवाइड हो जाती है ज़ीरो से टू तक है ना अब वर्डन क्या है x की जगह टू टू क्यूब बाय थ्री जीरो को भूल जाइए और टू स्क्वायर बाई टू जीरो पुट ही नहीं किया मैंने जूल्स है ना वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट फोर्स के लिए एफ डॉट डी एफ डॉट एस कर सकते हैं ग्राफ दे रखा है तो नॉर्मल एरिया निकल रहा है तो ठीक है नहीं निकल रहा नॉर्मल एरिया तो इंटीग्रेशन करना है फिर वो फंक्शन दे रखा होगा कैसे वेरी कर रहा है फोर्स राइट चलिए आगे देखते हैं चलिए ग्राफ वाला क्वेश्चन तो हम लपेट ही चुके हैं पहले बच्चों बहुत शानदार सवाल आने वाले हैं एक आध अभी आगे तो भी देखते रहिए जरा आप अब देखिए फोर्स ना एक्स और वाई दोनों में वेरी कर रहा है तो ऐसे केस में, वर्क जो है ना वो फोर्स और कैप होती है प्लस प्लस है ना अब अगर टू डायमेंशन की बात हो रही हो तो वो सिर्फ डीएक्स आई कैप डी वाई जे कैप होगी तो देखिए अब आप फोर्स कितना ऐप कर रहा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप परफेक्ट है डॉट डी आर क्या है डीएक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप वक्डन लिख दिया मैंने पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका इनिशियली कहां से कहां तक है देखिए जीरो जीरो से टू कॉमा थ्री तक ठीक है देखिए डॉट प्रोडक्ट ये कहता है कि आई कैप वाला आई से मल्टीप्लाई होगा और जे कैप वाला जे से मल्टीप्लाई होगा अब एक्स की लिमिट इसमें पुट कर दीजिए जीरो से टू तक और वाई की लिमिट इसमें पुट कर दीजिए जीरो से थ्री तक मुझे लगता है कि अब मुझे इसे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है ठीक है आप खुद कर सकते हैं देखिए इसका बड़ा भाई है एक क्वेश्चन इसका बड़ा भाई यह बहुत बार आया हुआ है ये डीपीएमटी का मेडिकल एग्जाम होता था दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट उसमें आया हुआ है एक बार ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखेगा पोटेंशियल वगैरह में वर्क एनर्जी पावर में भी है ग्रेविटेशन में भी है तीन जगहों पर ऐसा क्वेश्चन आता है टोटल डिफरेंशियल ठीक है तो क्वेश्चन देखिए क्या है फोर्स वही कहानी है अभी भी, भी? फोर्स आपको एक्स और वाई में एक्स वाई प्लेन में वेरी करता नजर आ रहा है फोर्स है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप तो एक्स वाई प्लेन में जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप ठीक है अब वर्डन अगर आपको निकालना है तो वो होगा इंटेग्रल बाद में लिमिट्स पुट कर लेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ठीक है नो प्रॉब्लम ये क्वेश्चन थोड़ा धांसू है इसको जरा अभी किनारे कर देते हैं थोड़ी देर बाद जूम कर लेंगे अभी घबराहट सी हो रही है देख के इसे ठीक है चलिए अब क्या है देखिए यहाँ पर वकडन जो भी लिमिट्स हैं वो बाद में पुट कर लेंगे है ना फोर्स है वाई आई कैप एक्सचे कैप वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप है ना और डिस्प्लेसमेंट क्या है डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप यही होता है डिस्प्लेसमेंट वैक्टर डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप ठीक है अब लिमिट्स हैं जीरो जीरो से वन वन तक जीरो से वन वन तक अब आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई करिए और जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई करिए भाई साहब ये ना हो रहा इंटीग्रेशन हमसे ये इंटीग्रेशन हम कर ही नहीं सकते जब dx के साथ वाई वाली टर्म आ जाए और dy के साथ एक्स वाली टर्म आ जाए तो ऐसे केस में इंटीग्रेशन बड़ा खतरनाक हो गया वी डोंट नो हाउ टू इंटीग्रेट dx विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू तो डी एक्स एंड एक्स विद रिस्पेक्ट टू तो डी वाई हम सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन ही करते हैं है ना तो यहाँ ना एक एक तकनीक होती है इंटीग्रेशन की जब भी ऐसा अटक जाए ना मामला y dx के साथ आ जाए और एक्स डी वाई के साथ आ जाए तो दोनों टर्म्स को सेपरेटली लीजिए y dx अलग से और एक्स डी वाई अलग से बहुत पॉपुलर सवाल है ये जहाँ dx होता है ना वहाँ y वाली टर्म को आप कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लीजिए तो y को कॉन्स्टेंट लेके dx को सिर्फ इंटीग्रेट करिए तो ये एक्स वाई आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन x अच्छा जहाँ dy है वहाँ x को कॉन्स्टेंट मान लीजिए फिर ये x इंटू वाई आ गया अच्छा सुनिए अगर ये दोनों टर्म सेम आ जाती हैं फिर से जहाँ डीएक्स है वहाँ y को कॉन्स्टेंट ले लीजिए जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर वाई होता तो y को बाहर लेके एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते और मान लीजिए यहाँ एक्स वाई स्क्वायर होता तो x को बाहर ले लेते वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करते डीएक्स वाली टर्म में y कॉन्स्टेंट लेना है डी वाई वाली टर्म में x को कॉन्स्टेंट एज्यूम करना है इंटीग्रेशन के बाहर ले लेना है अगर ये दोनों टर्म सेम आ जाती हैं तो इसका इंटीग्रेशन भी यही होगा टू एक्स वाई नहीं होगा सिर्फ एक्स वाई होगा इसका इंटीग्रेशन ठीक है और अगर ये दोनों टर्म डिफरेंट आ जाती फिर इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है अब इसके इंटीग्रेशन के लिए हमें ये भी बताना पड़ेगा कि बॉडी को जो आप जीरो जीरो से वन वन तक डिस्प्लेस करा रहे हो है ना तो वो किस पाथ के अलॉन्ग ले रहे हो ले जा रहे हो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ले जा रहे हो या फिर किसी पैराबोला के अलाग ले जा रहे हो या कहीं और से लेके जा रहे हो तो फिर पाथ भी बताना पड़ेगा तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है ठीक है तो अगर आपकी ये दोनों टर्म सेम आ जाती हैं तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है और जो दोनों सेम टर्म्स हैं वही आंसर है उनमें से एक चीज लिखनी है आपको वही आंसर है अगर ये अलग अलग आ जाए तो इसका मतलब फिर ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव था और इसके द्वारा अब वर्गन बिना रास्ता जाने बिना रास्ते की नॉलेज के कर्व uh, की इक्वेशन के नहीं निकल सकता ठीक है? So है तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है तो देखिए अब इसका इंटीग्रेशन हम देख चुके हैं सेम आ रहा है तो एक्स वाई आ गया दोनों का इंटीग्रेशन टू एक्स वाई नहीं आता बच्चों एक्स वाई आता है ठीक है अगर आपको क्यों नहीं आता ये नहीं पता लगता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखिएगा मैं आपको बताऊंगा कि टू क्यों नहीं आता तो देखिए वर्क डन गया यहां से वन टू वेरी इजी दोनों अपर लिमिट साथ में माइनस लोअर लिमिट होप आपको क्लियर हुआ बच्चों ठीक है अगर यहां पर इंटीग्रेशन में ये दोनों को इंटीग्रेट करते जब अलग अलग डिफरेंट टर्म्स आती तो इसका मतलब वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव था उसके द्वारा किया हुआ वर्क अब पाथ पे डिपेंडेंट आएगा जीरो जीरो से वन वन अलग अलग रास्तों से ले जाने पर वर्क डन अलग अलग आएगा ओके चलिए देखिए इसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल एक अगला क्वेश्चन बहुत तगड़ा सा लग रहा है देखने में जिसे हमने छोटा कर दिया था लेकिन छोटा क्वेश्चन नहीं है भाई साहब बड़ा प्रॉब्लम है ये आ जाता है इधर तवज्जो दीजिए इसे क्वेश्चन नंबर सेवन को हमारे देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन है उस उसमें जो थीटा एंगल है ना थीटा एंगल ये कोफिशंट ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है इसका मतलब ये जो थीटा एंगल है ना वो एंगल ऑफ रिपोज से आपने ज्यादा रखा हुआ है उसे है ना इसका मतलब ब्लॉक जो है ना स्लाइड करेगा नीचे ठीक है ये ब्लॉक जो है नीचे स्लाइड अगर ये थीटा एंगल एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा उससे ज़्यादा है तो ये नीचे स्लाइड करेगा तो ब्लॉक स्लाइड कर रहा है फ्रिक्शन है बोला है फ्रिक्शन भी है म्यू तो दे ही रखा है तो कह रहे हैं ग्रेविटी के द्वारा वर्क फ्रिक्शन के द्वारा वर्क और नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क बता दीजिए अगर ये पूरा स्लाइड करता है नीचे तक ठीक है दैट फाइन तो देखिए हम करते हैं जरा सॉल्व तो देखिए मुद्दा क्या है अब आप समझिए एक सिंपल चीज ये एच हाइट नीचे परफेक्ट ये ऐसा मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इसका वेट एम जी डाउनवर्ड एग कराइए आप एम जी का कॉम्पोनेंट एम जी साइन थीटा ले लीजिए एम जी का एक कॉम्पोनेंट एम जी कॉस थीटा लीजिए यहां बनाइए नॉर्मल रिएक्शन अच्छा इंक्लाइन प्लेन फिक्स है इंक्लाइन प्लेन अपनी जगह से नहीं हिल रहा ये फिक्स्ड है इंक्लाइन प्लेन कहीं मूव नहीं कर रहा है ऐसा भी तो होता है इंक्लाइन प्लेन भाग जाए कहीं तो सुनिए ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन बताना है तो फोर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स से तो चेक करते हैं देखिए क्या है तो ग्रेविटी एम जी लग रहा है अरे साइन टीटा थीटा को छोड़िए ग्रेविटी तो नीचे ही था ना आपने उसे दो पार्ट में तोड़ा है कौन कह रहा है उसे दो पार्ट में तोड़ना जरूरी है मत तोड़िए तो ग्रेविटी के द्वारा किया हुआ वर्क देखिए क्या है एम जी नीचे एक्ट कर रहा है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एच है चाहिए. बात खत्म हो चुकी है कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है सुनिए आप अब यहां पर ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है फ्रिक्शन पीछे को ऐप करेगा ही करेगा फ्रिक्शन को हम यू एम जी कॉसिटा मानते हैं तो अब फ्रिक्शन है हमारा म्यू एम जी कॉस् थीटा परफेक्ट अब फ्रिक्शन के अगेंस्ट यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो है एस तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो कि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट ऐसे है तो 180 डिग्री एंगल है एफ एस कॉस वन एट्टी डिग्री है फ्रिक्शन तो अच्छा कॉस वन एट्टी का माइनस आ गया म्यू एम जी कॉस थीटा अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितनी है देखिए ट्राइंगल में साइन थीटा निकालते हैं अगर अगर हम इस ट्राइंगल में ना बच्चों थीटा निकालते हैं तो वो आता है परपेंडिकुलर बाय हाईपोर्ट है ना तो ऐसा आता है, है एच बाय थीटा तो यहाँ फ्रिक्शन के द्वारा किया हुआ वर्क शानदार सवाल है बच्चों आपके लिए ना बहुत ही बढ़िया सवाल ढूंढे हैं मैंने जो नीट और जेईमेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एडवांस लेवल के सवाल इस क्रैश कोर्स में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ माइनस म्यू एम जी वर्क डन बाय फ्रिक्शन है नॉर्मल के द्वारा वर्क डन बताइए भैया ऐसा है जो नॉर्मल जहां से एक्ट कर रहा है ना ये नॉर्मल वो जो पॉइंट जहां से नॉर्मल लग रहा है ना वो हमेशा ही इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक नीचे को है उसके परपेंडिकुलर है ठीक है तो नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा किया हुआ वर्क हमेशा जीरो है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ही है ऑलवेज राइट right? तो आई होप आपको समझ आया अगले सवाल में ये भाग जाएगा इंक्लाइन प्लेन देखिए जरा अभी अभी प्लेन भाग रहा है। अभी आपने जो टैन थीटा है ना वो एंगल ऑफ रिपोर्ट से कम रखा हुआ है थीटा। इसका मतलब नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है। पे तो रेस्ट पे है लेकिन इंक्लाइन प्लेन भाग गया कहीं भाई साहब अब कह रहे नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क बताइए टी टाइम में अब देखिए आप तो नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क बताना है हमें टी टाइम में देखिए एंगल थीटा है ये रहा अब देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी ये डिस्प्लेसमेंट हो गई एस कितनी होगी इंक्लाइन प्लेन भाग गया तो डिस्प्लेसमेंट होगी स्पीड इन टू टाइम परफेक्ट है अब नॉर्मल रिएक्शन भी वर्क करेगा भैया अब नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा किया हुआ वर्क जीरो नहीं होगा ये एंगल थीटा तो आपको पता होगा ई ई ई ये भी थीटा है ना बच्चों बिल्कुल ऑल्टरनेट एंगल्स तो ये 90 माइनस थीटा बस तो अब आप देखिए क्या करते थे आप फोर्स को या तो डिस्प्लेसमेंट के कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के कॉम्पोनेट से मल्टीप्लाई करेंगे अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट तो नॉर्मल रिएक्शन का कॉम्पोनेंट जरूर है यहां पर एन कॉस ऑफ नाइनटी माइनस थीटा एन कॉस ऑफ नाइनटी माइनस थीटा नॉर्मल रिएक्शन का कॉम्पोनेंट है ये डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग तो बस आ गया वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना है नॉर्मल रिएक्शन का कॉम्पोनेंट नॉर्मल रिएक्शन कॉस्ट नाइंटी माइनस थीटा और डिस्प्लेसमेंट उस कॉम्पोनेंट के अलॉन्ग है वी टी है ना और ये हो गया एनसाइन थीटा इंटू वी टी है ना और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है होता है होता है म्यू एम जी कॉस्थीटा है ना नॉर्मल रिएक्शन होता है नहीं सॉरी नॉर्मल एक्शन इज ओनली एम जी थीटा आई एम सॉरी बच्चों फ्रिक्शन होता है, so, is, uh, है? अगला सवाल हैं, जब इंक्लाइन प्लेन रेस्ट पे था और ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा था तो नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा किया हुआ वर्क जीरो था लेकिन जब इंक्लाइन प्लेन ही भागने लग गया तो फिर नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा भी वर्क हो रहा था ब्लॉक स्लाइड नहीं करा नॉर्मल इंक्लाइन पेन आगे भाग गया तो नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क आ रहा था राइट right, बच्चो आई होप आपको समझ आ रहा है कह रहा है वर्कडन बाय स्टार्टिक फ्रिक्शन क्या होता है तो बताइए पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ भी हो सकता है या जीरो स्टार्टिक फ्रिक्शन मतलब हम सोचते हैं बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे है तो फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन कैसे हो सकता है तो देखिए हमारा मिसकन्सेप्शन है एक पॉपुलर मिसकनसेप्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा किया हुआ वर्क सब कुछ हो सकता है पॉजिटिव भी नेगेटिव भी और जीरो भी लेटेस अंडरस्टैंड इन दिस वे मान लीजिए दो ब्लॉक्स हैं ब्लॉक बी और ब्लॉक ए मान लीजिए आपने एक फोर्स अप्लाई किया मान लीजिए आपने एक फोर्स अप्लाई किया यहां पर तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन है है तगड़ा तगड़ा है कि दोनों सेपरेट आउट नहीं हो रहे हैं और यह फ्रिक्शन लेस है कि दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव कर रहे हैं दे मूव टूगेदर ऐसा हो सकता है ना कि इनके बीच में बहुत खतरनाक फ्रिक्शन है ग्लू की तरह और नीचे वाला सरफेस फ्रिक्शन लेते तो साथ में मूव कर जाएंगे तो सुनिए अब साथ में मूव कर रहे हैं सेपरेट नहीं हो रहे तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा अब अगर साथ में मूव कर रहे हैं तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाली है दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाली है ठीक है परफेक्ट बिल्कुल परफेक्ट अब क्या होगा इस केस में आ, लाल वाले ब्लॉक के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन आगे एक्ट आग करेगा क्योंकि उसे आगे मूव करा रहा है ना 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 नो 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 लाल वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है ना तो लाल वाले ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा ठीक है तो लाल वाले ब्लॉक के लिए ब्लू वाले ब्लॉक पे उत्ती ही है इसकी भी, तो वाले ब्लॉक पे आगे आग करेगा। क्यों है? क्योंकि दोनों सेपरेट नहीं हुए हैं अब ये ब्लू वाले ब्लॉक पे उतना ही पॉजिटिव वर्क करेगा और अगर आप दोनों पे इस इस सिस्टम पे निगाएंगे तो सिस्टम पे स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा किया हुआ वर्क जीरो होगा एक पे नेगेटिव वर्क एक पे पॉजिटिव वर्क तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव कैन बी जीरो ये जीरोप्शन है लोगों के मन में कि स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा किया हुआ वर्क हमेशा जीरो होता है ठीक है जैसे कि एक मैंने आपकी फ्रिक्शन फ्रिक्शन के लेक्चर में दूर करी थी कि हम आ, किसी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखे हुए ब्लॉक को म्यू एम जी से भी कम फोर्स लगा के मूव करा सकते हैं है ना चलिए तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यही स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा किया हुआ वर्क एक ब्लॉक पे पॉजिटिव आएगा एक ब्लॉक पे नेगेटिव आएगा दो किलो के ब्लॉक पे क्या वर्क होगा आठ किलो के ब्लॉक पे वर्क क्या होगा ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से ग्राउंड फ्रेम में ठीक है और दो किलो के ब्लॉक पे वर्क क्या होगा आठ किलो के ब्लॉक के फ्रेम से ठीक है तो वर्गन जो है ना वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है कौन देख रहा है उसके हिसाब से वकडन बदल जाता है ठीक है उसके हिसाब से वकडन बदल जाता है तो लेट लेटेस्ट सी इन दिस वे कि होता क्या है इसको उठा के कहीं और पटक देते हैं अभी ठीक है चलिए 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 थर्ड पर थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है ना इसे हटा देते हैं <laughs> तो देखिए क्या है इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में ना क्विकली देखेंगे हम ब्लॉक ऑन ब्लॉक अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो प्लीज बच्चों ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाला लास्ट लेक्चर देखिए इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वेट ऑफ द अपर ब्लॉक सोलर न्यूटन और अप्लाइड फोर्स जो है आपका वो स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो दोनों स्लाइड नहीं करें देर विल बी नो रेलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स नो रेलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स ब्लॉक आपस में घिसेंगे नहीं आपस में मूव नहीं करेंगे नो रेलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स बिटवीन द ब्लॉक्स ठीक है अब आते हैं नीचे वाले सरफेस पे नीचे वाला सरफेस तो फ्रिक्शन नहीं दे रखा तो ये फ्रिक्शन लेस है तो इसका मतलब जब नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है दोनों ब्लॉक साथ में चिपक गए दोनों ब्लॉक मूव नहीं कर रहे सेपरेट नहीं हो रहे सॉरी सेपरेट नहीं हो रहे तो नाउ बोथ दी ब्लॉक्स विल बिहेव लाइक अ सिंगल ब्लॉक दोनों ब्लॉक अब बिहेव करेंगे एज इफ दोनों अलग है ही नहीं दोनों एक ही ब्लॉक हैं ठीक है दोनों एक ही ब्लॉक है अब एक दस किलो का ब्लॉक हो गया अभी और इन पे फोर्स कितना लग रहा है इन पे फोर्स लग रहा है दस न्यूटन ठीक है अब ये दस न्यूटन के फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होने वाली है बच्चों कितनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होने वाली है देखिए ये डिस्प्लेसमेंट एस है इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर टाइम बोला है आपसे क्या नहीं बोला मान लीजिए इन टाइम ओके 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 टू सेकेंड्स ले लीजिए ठीक है uh, इन टीवल टू टू सेकंड टाइम टी इक्वल टू टू सेकंड मान लीजिए चलिए टाइम दो सेकंड में ठीक है तो हाफ एक्सलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है फोर्स अपॉन टोटल मास वन और टाइम कितना है टू तो डिस्प्लेसमेंट दो मीटर आ गई है किसकी डिस्प्लेसमेंट है ये दो मीटर दोनों ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट दो मीटर ही है क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ में ही मूव कर रहे हैं दोनों ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट दो मीटर है क्योंकि दोनों आप सिंगल ब्लॉक की तरह बिहेव करें दैट इज वेरी फाइन अब हम देखते हैं इनके बीच में फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा तो देखिए जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों दो किलो आठ किलो चलिए अब देखिए ब्लॉक अलग से बात करेंगे नीचे वाले ब्लॉक की बात अलग से करते हैं दो किलो का ब्लॉक आठ किलो का ब्लॉक है ना परफेक्ट आपने फोर्स लगाया दस न्यूटन जो कि सफिशियंट नहीं था इनको सेपरेट करने में तो अब स्टार्टिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सोलह न्यूटन थी बट क्योंकि वो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है तो वो अपने आप को 10 न्यूटन के बराबर एडजस्ट करेगा इस अप्लाइड फोर्स को नलीफाई करने के लिए तो ब्लॉक ए पे आ जाइए अब आप ब्लॉक ए पे ये अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है और स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका कितना है वो भी 10 न्यूटन है सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक लिमिटिंग तो सोलह है स्टैटिक फ्रिक्शन दस न्यूटन है सोलह स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है बट वो अपने आप को सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होते हुए अप्लाइड के बराबर एडजस्ट करेगा तो अब देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बाजी ब्लॉक कितना है टू के जी ब्लॉक किसके हिसाब से ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी के के हिसाब से ग्राउंड ऑब्जर्वर लिए क्योंकि ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए दोनों ब्लॉक आगे भाग गए दो मीटर दोनों साथ में भागे हैं तो आपको पता है कि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट दो मीटर आगे हुई थी अभी हमने देखा यहां पर कि दोनों ब्लॉक्स की डिस्प्लेसमेंट दो मीटर आई थी तो ये आया माइनस ट्वेंटी जूल्स ठीक है फोर्स इंटू फ्रिक्शन इंटू डिसमेंट है ना ऑपोजिट डायरेक्शन आठ के के ब्लॉक के साथ क्या हुआ है देखिए यही स्टैटिक फ्रिक्शन अभी आठ के के ब्लॉक को आगे मूव करा रहे वर्कडन बाईन एट के जी ब्लॉक कितना होगा तो कितना फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन दस न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट इसकी भी दो मीटर थी क्योंकि साथ में ही मूव करे थे दोनों तो ये आ गया आपका प्लस ट्वेंटी जूल देखिए मैंने अपनी बात को बड़ी शानदार तरीके से प्रूव किया है पूरे सिस्टम पे स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा किया हुआ वर्क शून्य अच्छा एक और पार्ट भी था जो बड़ा धांसू सा लग रहा था देखने में जो हमने घबरा के इधर से इधर रिप्लेस किया था कह रहे हैं फ्रिक्शन पे वर्क डन बताइए दो केजी के जी ब्लॉक वर्क कर रहा है फ्रिक्शन फ्रेम ऑफ ऑफ रेफरेंस जी ब्लॉक से तो सुनिए ना इसका मतलब आठ किलो के ब्लॉक पे अगर एक आदमी बैठा हो आठ किलो के ब्लॉक पे एक आदमी बैठा हो तो उसे क्या लगेगा कि कितना वर्क डन हुआ है फ्रिक्शन के द्वारा दो किलो के ब्लॉक पे दो किलो के ब्लॉक पे फ्रिक्शन दस न्यूटन है सही है अब यहां पर थर्ड पार्ट में आपको बोला है वर्क डन बाय फ्रिक्शन किस पे टू के जी ब्लॉक पे कौन देख रहा है इस वर्क डन को फ्रॉम फ्रेम ऑफ एट के जी ब्लॉक मतलब एट के जी ब्लॉक पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर देख रहा है अरे भैया तो रेलेटिव डिस्प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी ना रेलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो रेलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं आठ के का ब्लॉक भी दो मीटर आगे भागेगा यह भी दो मीटर आगे भाग गया है तो अब इस इस बंदे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ एट के जी ब्लॉक एट के जी ब्लॉक पर बैठे हुए आदमी कहेगा कोई डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं है भाई साहब वर्कडन कैसा तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से वर्गन यहां पर जीरो है बच्चों आई होप आपको बच्चों इन दस सवालों में मजा आया होगा अगले लेक्चर में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वर्क कैनेटिक एनर्जी थ्योरम और कवर कवरअप करेंगे राइट बच्चों ऑल दी वेरी बेस्ट ऑफ लक बच्चों डीपीपी जो है इस चैप्टर को कवरअप करने के बाद अपलोड करूंगा वर्क एनर्जी पार की राइट right? चलिए